एवरी वन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो आज मैं एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से एक डीलरशिप पर आया हूँ, क्योंकि मुझे प्राइसेस कंपेयर करने इंडिया और यूके के बीच में। सो मोस्टली जो कार की प्राइसेस मैं कंपेयर करूँगा वो काफ़ी हाई रेंज रहेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। दैट्स बिकॉज इंडिया में इम्पोर्ट जो होती है कार, उस पर बहुत टैक्स होता है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 200% तक जाता है। सो आज मैं जो कंपैरिजन करूंगा वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगी। व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि वो सेम ईयर में हो, सेम मॉडल हो, राइट? अगर फॉर एग्जांपल उरुस है तो उरुस उरुस के साथ कंपेयर हो, उरुस परफॉर्मांते के साथ नहीं। वैसे और आई नो कि स्पेक करने से भी प्राइस में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, सो दैट विल कीप इन माइंड। पर आज इतना डेप्थ में नहीं जा रहे। अगर आपको ये थीम अच्छी लग रही है मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में और डेप्थ में जाऊँगा, ईयर, ओनरशिप, स्पेक एंड ऑल दैट। सो वी नो द एग्जैक्ट प्राइस डिफरेंस, बट आज सिर्फ ये करेंगे, ईयर कंपेयर करेंगे और मॉडल कंपेयर करेंगे, और देखेंगे प्राइस में डिफरेंसेस क्या आता है टैक्सेस की वजह से। ऑल्सो ये सारी कार्स यूज्ड है, सो यूज्ड कार मार्केट में भी क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जो इंडिया में नई कार ले रहा है उनको टैक्स से वो हिट होता है, पर शायद यूज्ड कार मार्केट में वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ डेप्रिसिएशन। पर वो है या नहीं वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करेंगे लैम्बोर्गिनी उरुस से। मैं आपको स्क्रीन पे ये इंडिया वाली उरुस दिखा देता हूँ, जो 2021 मॉडल है, आई थिंक रैली मोटर्स पे है। उसका प्राइस है 4.52 करोड़। आई डोंट नो ओनरशिप कौन सी है, वो मुझे मालूम नहीं है, पर आप जो मेरे पीछे उरुस देख रहे हो वो है 2018, ठीक है, और इसकी प्राइस है 159,000 पाउंड। सो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि पाउंड टू रुपीज़ यूजुअली 100 रुपीज़ के अराउंड रहता है। प्रिसाइसली अभी 106 रुपीज़ है, बट जस्ट टू मेक इट ईजी 100। सो 159,000 पाउंड कम्स टू 1,59,00,000 रुपीज़, ठीक है। आप देख सकते हो टैक्स डिफ्रेंसिएशन की वजह से प्राइसेज यहाँ कितने लो है इन द यूज कार मार्केट। बेसिकली जो कार 2021 में 4,52 करोड़ की है, राइट, और यहाँ पे जस्ट 1.60 2018, तो आप दो 2018 की उरुस ले सकते हो जस्ट फॉर द प्राइस ऑफ 1 2021 उरुस बैक इन इंडिया। नाउ अगेन आई नो इंडिया में ऑप्शन नहीं है, हमको टैक्स पे करना है उन कार्स पे, और वो टैक्स एक्चुअली अच्छा भी है इकोनॉमी के लिए, तो वो हम यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द प्राइस डिफरेंस। और वन मोर रीजन दैट यहाँ और बेसिकली यूके और इंडिया की कार्स में स्पेक में इतना डिफरेंस क्यों रहता है, बिकॉज यहाँ के लोग स्पेक में ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव टू स्पेंड आफ्टर टैक्सेस व्हेन दे बाय द कार, ठीक है। लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दिस उरुस एज वेल, एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो दिस इज द सेकेंड कार जो हम आज देखने वाले हैं, पोर्शे कायन, ठीक है, और ये है 2020 का मॉडल। इसका प्राइस अराउंड 50,950 पाउंड, विच कम्स अराउंड 51 लैक्स इंडियन रुपीज। अगर यही कार आप इंडिया में देखने जा रहे हो, सो मैं बीबीटी का, ये बीबीटी या शायद कोई दूसरा डीलरशिप भी हो सकता है, पर वो ये 2018 का मॉडल है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और उसकी प्राइस है 93 लैक्स, राइट। सो यहाँ पे 2020 वाला अगेन 51,000 पाउंड, सो 51 लैक्स में मिल रही है, पर इंडिया में 2018 यूज्ड कायन, शायद आई डोंट इवन नो द नंबर ऑफ ओनर्स, ठीक है, वो 93 लैक्स में मिल रही है। तो कार्स बेसिकली यूके में यूज्ड मार्केट में काफ़ी सस्ती मिलती है। सो आई डोंट नो इफ यू रियली लाइक कार्स, और अगर आप कहीं मूव करना चाहते हो और आपका एक पैशन है कि आपको सारी कार्स एक्सपीरियंस करनी है, तो शायद आप यूके को एज अ ऑप्शन रख सकते हो, क्योंकि ना ही यहाँ पे सस्ती कार मिलती है, पर बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे आपको उसके साथ, और बहुत सारे ट्रैक्स भी है। ऑब्वियसली आप ट्रैक पे एक पोर्शे कायन तो नहीं ले जाओगे, बट देर आर मैनी ऑप्शन दैट यू कैन ट्राई। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार एंड सी व्हाट द प्राइस डिफरेंस इज लाइक नाउ। ओके गाइज, सो हम अब बाहर आ चुके हैं, और बाहर भी इनका बहुत बड़ा कलेक्शन है, पर बेसिकली मुझे ये कार दिखानी है आपको, ठीक है, फोर्ड मस्टैंग जीटी। और फोर्ड मस्टैंग के प्राइसेस हाई होने का सिर्फ एक रीज़न टैक्सेस नहीं है, बिकॉज ये कार अब मैन्युफैक्चर नहीं होती है, सो इसकी डिमांड भी अभी बहुत है, तो बेसिकली इसके प्राइस अभी भी बढ़ रहे, कभी कम होते हैं कभी बढ़ते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिमांड। और बिकॉज कार इंडिया में बहुत लिमिटेड नंबर में, ठीक है, इसके प्राइसेस अभी काफ़ी टाइम से बढ़ रहे हैं, आई डोंट नो अभी नीचे गिर रहे या नहीं, पर मैं आपके स्क्रीन पे दो फोर्ड मस्टैंग जीटी रख रहा हूँ अभी, जो दो डिफरेंट डीलरशिप्स है, दोनों 2016 का मॉडल है, वन इज 86 लैक्स एंड वन इज 81 लैक्स। एक शायद कोई सदर्न इंडिया की डीलरशिप है, और एक आई थिंक कोई दिल्ली में डीलरशिप है जहाँ ये कार्स अवेलेबल है, डीलरशिप का नाम भी मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा। वैसे ये कार, ये भी 2016 का मॉडल है,
ठीक है, और इसके ओनर्स तो खैर मुझे मालूम नहीं है, पर इसकी प्राइस का डिफरेंस इतना बड़ा है दैट यू कैन नॉट इमेजिन। सो बेसिकली आप 3 2016 मस्टैंग जीटी ले सकते हो फॉर द प्राइस ऑफ वन इन इंडिया, ठीक है। सो इसका प्राइस है 24,450 pounds, विच इज़ बेसिकली समवेयर अराउंड 24.5 lakh rupees कन्वर्जन के बाद, ठीक है। और इंडिया में यही मॉडल यही कार 86 lakhs और 81 lakhs की है, ठीक है, यूज्ड 2016 अगेन। सो जस्ट इमेजिन, यू कैन बाय आई गेस ऑलमोस्ट 3 cars, कंप्लीटली तो 3 नहीं, बट ऑलमोस्ट 3 Mustang GTs फॉर द प्राइस ऑफ वन इन इंडिया, ठीक है। सो ये मुझे काफ़ी बड़ा प्राइस डिफरेंस लगा था, और मस्टैंग की वैसे यहाँ इतनी डिमांड भी नहीं है, तो आई थिंक उसका डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा रहता है, बट ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग कार एंड आई थिंक बाइंग इट फॉर 24,000 इट्स मोर अमेजिंग, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार एंड सी वॉट वी कैन फाइंड नाउ। ओके, सो हमारी नेक्स्ट कार है एक ऑडी R8, ठीक है। सो ये 2016 का मॉडल है, आई थिंक इसकी प्राइस है 94,950 pounds, ठीक है, और ये यहाँ की प्राइस है। अब अगेन लेट्स कम बैक टू इंडियाज प्राइसेस। सो इंडिया में 2 डीलरशिप के मैं फोटोज रख रहा हूँ, आई थिंक वन प्लेस इज 1.65 crores, 2016 मॉडल V10 इंजन, सेम 2016 मॉडल V10 इंजन, और एक दूसरी डीलरशिप BBT का 1.49 crores, अगेन 2016 V10। और जो BBT की कार है वो तो एक्चुअली थर्ड ओनर है, ठीक है। सो आप देख सकते हो प्राइस डिफरेंस कितना मैसिव है, दिस इज 94,950, सो बेसिकली 95 lakhs, चलो राउंड अप करते, टेक्निकली इट वुड बी मोर क्लोज टू 94.5 lakhs, पर फिर भी लेट्स मेक इट इजियर, 95 lakhs और 1.49 crores, थर्ड ओनर इन इंडिया। सो आई थिंक 70 lakhs, बेसिकली आई डोंट नो हाउ, दो तीन मस्टैंग एक्स्ट्रा आ जाएंगे उस प्राइस में। सो दैट इज द प्राइस डिफरेंस गाइज इन यूज मार्केट ऑल्सो समथिंग दैट वी सी बिकॉज ऑफ द टैक्सेज दैट वी हैव इन द कंट्री। अगेन आई एम नॉट सेइंग टैक्सेज आर अ बैड थिंग, राइट, रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड, क्योंकि अपने कंट्री में इकोनॉमी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट दैट इवन, सो टैक्सेस से हर किसी को कुछ ना कुछ मिल सकता है। सो माई पॉइंट इज नेवर दैट दोज टैक्सेस आर नॉट गुड, बट जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी सस्ते रहते हैं फॉर द सेम कार्स विच आर बैक इन इंडिया। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली जो कार मुझे लास्ट कवर करनी थी वो यहाँ पे अभी स्टॉक में नहीं है, बेसिकली स्टॉक में इनके पास पराज डीलरशिप पे नहीं है, ठीक है। तो मैं एक और बोनस कार आपको कवर करके दिखाऊंगा, ये उस थीम पे नहीं है, कोई प्राइस कंपैरिजन नहीं है, पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कई कार्स की प्राइसेस एक्चुअली बढ़ती है यूज्ड कार मार्केट में, ठीक है। सो मेरे पीछे एवेंटेडोर SVJ, जहाँ से हमने ये ब्लॉग शुरू किया था, राइट। सो इसके बाद एक मॉडल आया था एवेंटेडोर अल्टीमे, पर एवेंटेडोर अल्टीमे की प्राइसेस इससे ज़्यादा नहीं है यूज्ड कार मार्केट में, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसका ट्रैक परफॉर्मेंस बहुत सही है। सो समटाइम्स कई कार्स में प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर आप वाइसली खरीदो तो, इट्स अ लॉट अबाउट लक, पर ये मत सोचना दैट कार्स आर एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मोस्ट कार्स विल डेप्रिशिएट, सो ऑलवेज थिंक ऑफ देम एज एन हॉबी। पर ये कार परफॉर्मेंस वाइज इतनी अमेजिंग है, एंड आई थिंक एवेंटेडोर सीरीज में SV एंड SVJ दोनों का ही परफॉर्मेंस बहुत सही रहा है, और दोनों की प्राइसेस भी काफ़ी अप्रिशिएट हुए उनके आजू बाजू के मॉडल्स के अलावा, ठीक है। सो दैट वॉज जस्ट अ बोनस थिंग दैट आई वॉन्टेड टू एड, बिकॉज एक और कार थी जो मैं कवर करना चाहता था प्राइस डिफरेंस में पर नहीं कर पाया। और आज के वीडियो में ये जो थीम है वो आपको कैसा लगा वो प्लीज़ बताइए, प्राइस कंपैरिजन वाला। अगेन आई एम सेइंग वो प्राइस कंपैरिजन इतना डेप्थ में नहीं था आज, सिर्फ ईयर और मॉडल कंपेयर करना चाह रहा था मैं, ठीक है। मैंने इतना ओनर्स या फिर स्पेक क्या है वो भी नहीं देखा, और कई बार इन कार्स में स्पेशली कार्स लाइक दिस कई लोग 100K जितना स्पेक करते, बेसिकली 1 crore एडिशनल ऑफ स्पेक भी हो सकता है, नॉट इन मोस्ट कार्स बट इन कार्स लाइक दिस वो हो सकता है। पर हाँ, जो कार्स मैंने आज कवर की थी उनमें से आई थिंक ओनली दैट उरुस इज समथिंग दैट कैन हैव उतना एक्सपेंसिव स्पेक। बट हाँ, बेसिकली ये थीम कैसा है ये मुझे बताइए, क्या आप और डेप्थ में जानना चाहते हैं कि स्पेक क्या है उसमें, या फिर ओनर्स कितने, और फिर प्राइस कंपैरिजन का, या फिर कोई और कार रिलेटेड कंटेंट इन द UK विच आई कैन शो यू। ऑलराइट, एंड लेट मी नो हाउ यू फाउंड दिस वीडियो ओवरऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।